पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बैरागढ़ की एक रेप पीड़िता नाबालिग को न्याय दिलवाने के लिए आगे आए हैं। नाबालिग लड़की के साथ एक स्कूल संचालक के नाबालिग बेटे ने रेप किया है। दिग्विजय सिंह ने भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा पर बलात्कारी का संरक्षण देने का आरोप लगाया है। दिग्विजय ने कहा, मैं इस परिवार को न्याय दिलवाने का पूरा सहयोग करूंगा। संत हिरदा नाम नगर निवासी लक्ष्मी विक्योमल सराफ हायर सेकेंडरी स्कूल संचालक के नाबालिग बेटे पर 16 साल की नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार का आरोप लगा है। घटना के बाद से पुलिस राजनीतिक दबाव में आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने पीड़िता के शिकायत पर धारा 363, 366, 376, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन रेप के मामले में आरोपी को जमानत मिल जाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है। पीड़ित बच्ची की मदद के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सामने आए और उन्होंने पीड़िता को न्याय दिलवाने की बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है कि भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा बलात्कारी का संरक्षण कर रहे हैं। मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी, क्या आप इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवा कर दोषी को सजा करवाएंगे? नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में बच्ची के परिजनों ने हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा पर बलात्कारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। थाने वाले सर सब बंधे हुए हैं, हम जाएंगे थाने में और उल्टा फोन करके इनको बुला लेंगे। वो बेटा भी क्या 6 बजे लेके आया, 10 बजे छोड़ दिया। उसका भाई लड़के का भाजपा है, भाजपा नेता है, मतलब इसको पूरी भाजपा के नेताओं की सपोर्ट है। वो भाजपा का है, वो रामेश्वर शर्मा से मिला हुआ है। हाँ। और उसकी धमकी देता है। हाँ। कि रामेश्वर शर्मा मेरे से बंधा हुआ है। हाँ। मेरे घर भी आता जाता है। हाँ। आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, उनकी धमकी देता है। उसके बाद हमने कलेक्टर ऑफिस आवेदन दिया, SP ऑफिस आवेदन दिया, हमारा कुछ नहीं हुआ। तो हमें राजा साहब ने बताया कि हम आपको करेंगे, जो हमसे मदद आपकी करेंगे। ये घटना 19 अगस्त की है। स्कूल संचालक का बेटा पीड़िता को किताब दिलवाने को कहकर अपनी एक्टिवा से सीहोर रोड स्थित हुक्का लॉन्च में ले गया, जहां उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में नाबालिग लड़की से बलात्कार किया और उसके नग्न फोटो खींचे और वीडियो बना लिया। उसके बाद से आरोपी पीड़िता को लगातार धमकाता रहा। बलात्कार का आरोपी पीड़िता को उसके दोस्तों से भी सेक्स करवाने का दबाव बनाता रहा। जब पीड़िता नहीं मानी तो आरोपी ने 22 अगस्त को पीड़िता के नग्न फोटो सोशल साइट पर अपलोड कर दिए। जब पीड़िता के भाई ने सोशल साइट पर बहन के अश्लील फोटो देखे तो उसने अपने माता पिता को बताया, तब कहीं पीड़िता ने आपबीती बतलाई। इसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर 27 अगस्त को महिला थाने पहुंचे और उन्होंने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन ब्लैकमेलिंग की धारा नहीं लगाई। परिजनों का यह भी आरोप है कि पुलिस ने पीड़िता के अश्लील फोटो को डिलीट करवा दिया। पुलिस ने पीड़िता को FIR की कॉपी भी तब दी जब आरोपी की जमानत हो गई। आरोपी खुलेआम घूम रहा है और पीड़िता और उसके परिजनों को धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, आरोपी और उसका भाई BJP से जुड़ा है और पीड़िता के पिता को झूठे केस में जेल कराने की धमकी दे रहा है। पीड़िता और उनके परिजनों ने इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी न्याय की गुहार लगाई है। जो मेरी पुत्री है 16 साल की, उससे ये हिंगोरानी रमेश हिंगोरानी का बेटा मोहित हिंगोरानी के मोबाइलों पर बात करता था, उससे प्यार करने की बातें करता था। फिर एक दिन मेरी लड़की गई बाजार बुक लेने, तो उसको अपनी गाड़ी पे बिठा के कहीं लॉन्च लेके गया, उसके नशे की दवा डाल के उससे अधुत्क्रम किया और गंदी वीडियो और फोटो खींचे और उसको धमकी दी जान से मारने की कि अगर तूने घर पे बताया तो तेरे को जान से मार डालूंगा। मेरे पति बाजार गया तो उसको भी धमकाया गया है कि अगर तूने आगे कुछ कार्रवाई करी है तो हम तेरे को जान से मार डालेंगे, तो गलत केस में तेरे को अंदर करवा देंगे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।